घने बरसों के बाद अपने गांव में बारात आ रही है। अरे मानना पड़ेगा वीर प्रताप सिंह ने, अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपनी बेटी ने पढ़ाया लिखाया पाला पोसा और अच्छे संस्कार भी दिए। पर समीर, ममता शहर में पढ़ लिख कर भी अपने संस्कार नहीं भूली। पर मन ने तो सुना है छोरा अनपढ़ है, ममता के मुकाबले तो बिल्कुल भी सुंदर ना है। मन ने तो जोड़ी बिल्कुल भी ना जमरी से। अरे भाया, इंसान की कीमत सूरत से ज्यादा कहीं दौलत की होवे है, और फिर पैसे के मुकाबले अपने वीर प्रताप से छोरे वाले कहीं ज्यादा अमीर से। भाई असली दौलत तो सगे संबंधी और घर परिवार से होवे है, और यो सब तो ममता के कारण वीर प्रताप पहले ही खो बैठा है। तो देखा आपने, गांव में ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि बरसों बाद गांव में किसी लड़की की बारात आ रही है। उस गांव में जिस गांव में लड़की का पैदा होना यह शुभ माना जाता है। हर आदमी इस बात से डरता है कि कहीं उसकी बेटी उसका नाम मट्टी में ना मिला दे, लेकिन वीर प्रताप ने न केवल अपनी बेटी ममता को पढ़ाया लिखाया बल्कि आज धूमधाम से उसका ब्याह भी कर रहा है। तो चलिए आप और हम शामिल होते हैं अपनी बेटी ममता के ब्याह में। चलो नाचो। मेरा बोर लगड़ा दे हो नणदी के बीरा, मेरा बोर लगड़ा दे हो नणदी के बीरा, तन्न्यू 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 माथे पर। हाय मत हार गई बेबे, एक तुम करो बुढ़ी नचान लग रही। हाय हाय पा टूट गए मेरे तो। हाँ बोल माँ, तैने बुलाया था। हाँ बेटा, जय तू मेरी बात मान ने तो मैं कहूँ कुछ। मैं न्यू कहूँ थी बेटा, अपने पिताजी ने बुला लो। उनका कहा हुआ एक एक लफ्ज याद है बेटा। पीर, आज तन्ने फैसला करना है, तन्ने वो छोरी चाहिए या मैं तेरा बाप। ईश्वर ने जब है दिया इनको बराबर का हक, फिर बेटा और बेटी में हमने किया क्यों फर्क। बेटियों को मिलेगा जो मौका, नाम रोशन करे। नाम बदल रहा है पिताजी, अब छोरे छोरी में कोई भेद नहीं रहा। तू कहना क्या चाहे से? क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया। यो मैं नहीं कर सकता पिताजी। मैं अपनी बेटी का गड़ा नहीं दबा सकता। ठीक है, आज से मैं थारे लिए मर गया। राम, देखना क्यों मेरी अर्थी ने तनहा भी न देने पाए। चल पिताजी। क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। के हो रहा है बेटा? मेरी बेटी देख रही है कमला, अपनी बेटी ममता को इतनी सी थी, इतनी सी पता ही नहीं चला।
कब इतनी बड़ी हो गई? बेटा, मैंने पूरी कोशिश करी कि तेरे को सारे सुख मिले, और बेटा फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो तू अपने इस बाप को माफ कर देना। बेटा, तू हमारे खानदान का मान है और तुझे हर कीमत पर अपने खानदान की इज्जत का मान रखना होगा। जो संस्कार हमने तुझे दिए हैं, उन्हीं संस्कारों से तू अपने ससुराल वालों का मन जीतेगी, मेरे को पूरा भरोसा है बेटा। तू इस घर की इज्जत है बेटा, तुम्हारा मान है, सम्मान है बेटा। गई ना छोरी, अब अगर भगवान भी हमारे घर में कोई छोरी भेज देगा, गलती से भी भेज देगा, तो मैं खुद अपने हाथों से उसका गला दबा दूंगा, जान से मार डालूंगा उसको मैं।